अगर आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में सांप दिख जाए तो क्या करेंगे आप? शायद डर जाएंगे या वहां से चले जाएंगे। लेकिन हम जिस खबर का वायरल टेस्ट करने जा रहे हैं उसमें एक ऐसी लड़की है जिसे कोबरा तक से डर नहीं लगता, बल्कि जहरीले सांपों से खेलना उसका शौक है। इस वायरल खबर में कितना है दम, आइए देखते हैं। इस बच्ची को कोबरा से डर नहीं लगता, इस बच्ची को जहरीले सांपों से डर नहीं लगता। ये बच्ची सांपों के साथ खूब मजे से खेलती है। इस बच्ची पर सांपों का जहर असर नहीं करता। जहरीले सांप तो इसके लिए खिलौना है। यकीनन इस वीडियो को देखकर आप भी दहल जाएंगे। एक महज 8 साल की बच्ची और वो सांपों से बेखौफ खेल रही है। वो भी कोई मामूली सांप नहीं बल्कि नाग है। नाग कहते हैं इनका डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता, और ये बच्ची सांपों के साथ अटखेलियां कर रही है। सोशल मीडिया पर स्नेक गर्ल के नाम से ये लड़की खूब वायरल हो रही है। हमने भी ये वीडियो देखा तो दंग रह गए और हमने इसका वायरल टेस्ट करने का फैसला किया। हम आपको बता दें कि 8 साल की इस बच्ची को फेसबुक पर पिछले 3 महीने में 55 मिलियन यानी 5.5 करोड़ लोग देख चुके हैं। 83 से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है। इस बच्ची का नाम काजल है। ऐसा बताया जा रहा है कि यूपी में कानपुर के पास घाटम की रहने वाली काजल को इंसानों से नहीं बल्कि 6 खतरनाक किंग कोबरा सांपों के साथ खाना पीना, खेलना और रहना पसंद है। हमें जैसे ही पता चला कि ये लड़की कानपुर के घाटमपुर की रहने वाली है, हमने इसकी तलाश शुरू कर दी। और काफी मशक्कत के बाद हमें स्नेक गर्ल यानी काजल के भाई सिराज मिले। पहले तो हमसे वो बात करने में कतराए, लेकिन बाद में अपनी बहन का वीडियो वायरल होने की पूरी कहानी बताने पर राजी हो गए। और जब पिताजी थे हमारे तब वो लड़की सांपों से खेलती थी। जब से पिताजी हमारे गुजर गए सब सांप आपका काम बंद हो गया। वो बच्ची इस समय बाहर है, अब नहीं खेलती वो सांपों से। सिराज ने हमें बताया कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो 7 से 8 साल पुराना है। उन्होंने ये भी बताया कि वो एक खास समाज से ताल्लुक रखते हैं और सांपों का खेल दिखाते थे। इसी बीच काजल ने बचपन में ही सांपों से खेलना शुरू कर दिया। लोग उसे दूर दूर से देखने के लिए आने लगे। बात पीटा संस्था तक पहुंच गई। पुलिस में शिकायत हुई तो जांच शुरू हो गई। मेनका गांधी के आदेश पर सभी सांपों को छोड़ दिया गया। बस यही सांपों आपों से खेलती थी तो इसलिए तमाम पब्लिक आने लगी, उसको देखने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि गलत है, मान लो अभी तो बच्चा है, आगे चल के जवान होगी फिर क्या होगा। तो फिर उसने बंद कर दिया। पुलिस वुलिस आई, उसमें काफी मतलब जांच हुई कि इतने सांप कहाँ से आए तुम लोगों के पास में। भाई पकड़ के लाते थे, फिर सब छुड़वा दिया हम लोगों के सांप, आप सब काम बंद कर दिया हम लोगों का। अब काजल 15-16 साल की हो गई है। उसे अब अपने रिश्तेदारों के घर रहने के लिए भेज दिया गया। तो अब काजल का सांपों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। घर वाले भी अब सांपों का काम छोड़कर फलों का ठेला लगाते हैं। तो इस तरह ये खबर वायरल टेस्ट में पास हुई, लेकिन ये भी सामने आ गया कि ये वीडियो पुराना है। कानपुर से रंजय सिंह के साथ अनिल कुमार, दिल्ली, आज तक।